हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने जो टॉपिक है, ऑफिस में काम कर्मचारियों के लिए एक खौफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। इसका क्या रीज़न है, तो चलिए जानते हैं और आपको बताते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 महत्वपूर्ण वर्ष रहा। साल 2023 टेक्नोलॉजी में कई बदलाव लेकर आया और कई तकनीकी के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला, और इनमें से एक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो काम तो बहुत आसान बनाते हैं लेकिन साथ के साथ ये चिंता का विषय भी बन गया है। नौकरियों की कटौती के कारण ये जॉब की असुरक्षा का कारण भी बना है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 82% लोगों को ये लगता है, या रिपोर्ट के अनुसार ये माना गया है कि 82% लोगों की जो नौकरियां है AI के कारण जा सकती हैं, और कुछ डिपार्टमेंट की चली भी गई हैं। खुलासा ये भी किया गया है कि हाल में हीरो वाइड की फ्यूचर ऑफ द स्किल लैंडस्केप 2024 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी से प्रोफेशनल के बीच नौकरी जाने की चिंता जायज़ है, लेकिन इसके कई कारण हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो वर्कर हैं, अगर माने तो प्रोफेशनल है, एकेडमिक है, इसमें से 2 लाख लोगों को शामिल किया गया है। और इंटरव्यू के दौरान जो पाने वाले लगभग 82% लोगों की नौकरियां का कारण AI बताया गया है। और रिपोर्ट में लगभग 78% व्यक्तियों ने बदलते कार्य के बीच नई टेक्नोलॉजी सीखने और जो इन्हें आने की मान्यता दी है, यह सोच लगातार सीखने और कौशल वृद्धि को जागरूक रखने को दर्शाता है। इसके साथ साथ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका की क्या उनका वर्क है, क्या उनका मेन हिस्ट्री थिंग्स रहेगी, क्या उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो बताया गया है। 39% लोगों को लगता है कि AI करियर की प्रोग्रेस हो सकती है, उन्हें काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है या आगे उनका कुछ चीज़ें उनको सीखने को मिल सकती हैं। लेकिन 43% व्यक्तियों ने कहा AI में ठीक से जो परीक्षण है, या कहें उसे अगर एक तरीके से ये कहें कि उनमें जो वर्क है वो सही तरीके से नहीं किया गया, और जिनके कारण वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ साथ इनकी डिमांड क्या है, रिपोर्ट के अनुसार जो AI है या जो उनसे संबंधित कौशल पर गहराई पर विचार करने की ज़रूरत है। आने वाले 5 सालों में AI की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, चाहे वो हर प्रोडक्ट में है या सॉफ्टवेयर में है या किसी भी फील्ड में है। साथ के साथ ज़्यादा वेतन वाली नौकरियों की भी पेशकश करेगा। लगभग 43% को लगता है कि नई टेक्नोलॉजी को हर 6 महीने में अप स्किलिंग की ज़रूरत होगी, और लगभग 81% लोगों ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा। जी, तो ये थी आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।